अभी राज्य में 27% हमारे हड़ताल आंदोलन के कारण राज्य सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया है। संख्या के हिसाब से न्यायपालिका, राजनीतिक और कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर में उसकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए, और जो संविधान ने वोट की ताकत हमें दी थी, उस वोट की ताकत को ईवीएम ने खत्म कर दिया है। उस ईवीएम को हटाकर ब्लड पेपर से चुनाव कराने के लिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ना ये पार्टी का मंच है, ना जाति और धर्म का मंच है। इस मंच पर सिर्फ ये इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, जिसकी वजह से आज आपकी वोट की ताकत खत्म कर और वो समाजवादी सत्ता में बैठे उनको हटाना है, तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और हमारे जितने भी ओबीसी के जो जातिगत कलम में, उसमें हमारा गणना नहीं होता, इस देश में शेर और भालू की गणना होती है मित्रों, लेकिन ओबीसी की गणना नहीं होती, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं इस रामलीला की मैदान से ये आह्वान करना चाहता हूं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ के धरती और रायपुर के धरती में होगा, कई लाख लोगों को हम शामिल करेंगे। आप लोगों की राय के लिए मैं, दोनों हाथ के लिए मैं इस प्रस्ताव को पारित कराना चाह रहा हूं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से बात भी कर लिया हूं, आप लोग सहमत हैं राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में होना चाहिए? कितने लोग तैयार हैं? सारे प्रदेश के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सबको आमंत्रित करना चाहता हूं, राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी समय में रायपुर में होगा, आप लोग शामिल होंगे, दोनों हाथ खड़े करके समर्थन प्रदान करेंगे, क्योंकि रायपुर में हमारा ओबीसी की संख्या 50 से 52-56% है। अभी राज्य में 27% हमारे हड़ताल आंदोलन के कारण राज्य सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया है। उतने साल तक इस प्रदेश में अन्य पार्टी की सरकार रही, लेकिन 27% अभी 2 तारीख को पारित हुआ है। इस मंच में बहुजन की ही बात होगी, एसटी एससी ओबीसी हम सब लोग एक ही सूत्र में बंधकर आने वाले समय में इस देश में भूचाल लाने का प्रयास इसी मन से होगा। मित्रों, कहने की बहुत और बात है, लेकिन कई वक्ता बैठे हैं, उनको भी हमको सुनना है, इसलिए मैं एक बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हमारे साथ आदिवासी समाज के भाई भी इस मंच पे उपस्थित हैं। आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाई का जमीन इसलिए सुरक्षित है कि उसके लिए भू राजस्व सहायता में भारत सरकार इंप्लीमेंट किया हुआ है। उसके जमीन को कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता, केवल आदिवासी की जमीन को केवल आदिवासी ही खरीद सकता है। ठीक उसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए कोई कानून नहीं बना है, पिछड़े वर्ग के लिए एक कानून केंद्र सरकार लाए। इस मन से आप सब लोगों को, एसटी एससी ओबीसी के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे बस्तर में जाकर बाहर के लोग, उद्योगपति लोग हमारे एसटी पिछड़ा वर्ग के जमीन को कौड़ियों के दाम में खरीद कर बिजनेस कर रहे हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन को। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी भाइयों के जो लिए कानून जो बना है, उसी तरह भू राजस्व संहिता में भी हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग के जमीन को केवल पिछड़ा वर्ग के ही लोग खरीदी बिक्री करें, वो भी मिशन रिकॉर्ड के अनुसार पे खरीदी बिक्री करने का अधिकार
केवल ओबीसी के लोगों को मिले, ये भी प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ से केंद्रीय कमेटी में आना चाहिए। बस और ज्यादा बात ना करते हुए आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और आप लोग ने बड़ी गंभीरता से मेरी बात सुनी। हमारे बीच में अलग अलग प्रदेशों से कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं, मैं उनको एक चीज क्लियर बताना चाहता हूं, ये जो मंच है वो लगातार 6 और 7 दिसंबर को जो न्याय अधिकार सम्मेलन का संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच की तरफ से किया जा रहा है, ये 90% मूल निवासी जो इस देश के SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, ये उनके हक अधिकार जो छिन रहे हैं 75 वर्ष से, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए देश में जो जनगणना हो रही है उसमें जातिगत जनगणना कराकर संख्या के हिसाब से न्यायपालिका, राजनीतिक और कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर में उसकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए, और जो संविधान ने वोट की ताकत हमें दी थी उस वोट की ताकत को ईवीएम ने खत्म कर दिया है, उस ईवीएम को हटाकर ब्लड पेपर से चुनाव कराने के लिए, और जो पूरे देश में अत्याचार अन्याय है, चाहे वो घोड़ी में बैठने पर, चाहे वो हमारे पानी पीने पर, चाहे वो अंतिम संस्कार में जहां मूछ रखने पर, जहां हमारे भाइयों पर अत्याचार न होता, उनको न्याय दिलाने के लिए ये नया अधिकार सम्मेलन किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ना ये पार्टी का मंच है, ना जाति और धर्म का मंच है, इस मंच पर सिर्फ ये इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। जो भी वक्ता है वो अपनी बात आज ब्लैक पेपर का जो प्रमुख मुद्दा है, जिसकी वजह से आज आपकी वोट की ताकत खत्म कर और वो सामंतवादी सत्ता में बैठे उनको हटाना है, तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और सब एकजुट होकर आने वाले टाइम में इस न्याय अधिकार सम्मेलन से एक आह्वान करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि आने वाले टाइम में ये मुहिम न्याय अधिकार सम्मेलन कश्मीर से कन्याकुमारी तक से कटक, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हर बहुसंघ समाज के घर तक ले जाकर उसको जगाने का काम करेंगे, उसको साथ लेकर चलेंगे और अपने हक अधिकार को वापिस लेकर और अपनी वोट की ताकत को बचाकर, संविधान को बचाकर, इस देश को प्राइवेटाइजेशन से बचाकर अपने बहुसंघ समाज को सत्ता की तरफ ले जाने का काम करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये बहुसंघ समाज का मंच है। अगर कोई और समाज से कोई आया है तो उनको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ बहुसंघ समाज का मंच है और इस मंच पर सिर्फ बहुसंघ समाज के मुद्दों की बात होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।